Dr. Imam Umer Ahmed Ilyasi, Chief Imam All India Imam Organization AIIO. Bismillahir Rahmanir Rahim. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد Respected Dais Respected Dr. Vishwanath Karar Respected हमारे जो यहाँ इस MIT के टीचर्स डिग्निटरीज डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन और मेरे यहाँ MIT के बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं आज का जो हमारा फिफ्थ वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ साइंस एंड रिलीजन एंड फिलॉसफी का ये एक सेशन है इसमें हमने अलग अलग धर्मों के लोगों को अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के लोगों को सुना सभी एक ही तरह की बात कर रहे हैं कोई अलग बात नहीं कर रहा है मैं इस मौके पर सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूं हमारे कराड़ साहब राहुल कराड़ जी और ख़ास तौर पर उनके पिताजी विश्वनाथ कराड़ जी जिन्होंने हर साल इस तरह से तमाम सारे मज़ाहिब के लोगों को बुलाकर एक साथ उनको सुनते हैं और बच्चों को इसका पैगाम और उनकी तालीम को आम करते हैं आज ये जो टोम हम देख रहे हैं ये जो डोम है इस बात का प्रतीक है ये डोम हमारे इस बात का प्रतीक है कि यहाँ सारे मजहब के जितने भी हमारे संत हैं सबके यहाँ फोटो लगे हैं इससे इस बात का हमें संदेश जाता है कि हम सब एक हैं एकता का संदेश एकता का पैगाम ही मकसद है हमारे सबके धर्म अलग हो सकते हैं हमारी सबकी इबादत करने के तरीके अलग हो सकते हैं हमारी जाति अलग हो सकती हैं हमारी परंपराएं अलग हो सकती हैं लेकिन हमारा सबसे जो पहला धर्म है वो हमारा धर्म है इंसानियत का हम सबसे पहले इंसान हैं और उसके बाद हमारी जो आस्थाएं हैं वो हमसे जुड़ी हैं उसके बाद हम भारत में रहते हैं तो भारतीय हैं आओ हम सब मिलकर इंसानियत को मजबूत करें भारत में रहते हैं भारतीयता को मजबूत करें आपसी भाईचारे को कायम करें आज इसी चीज की सख्त जरूरत है अभी मैं करार साहब से बात हो रही थी मेरी करार साहब जो ये काम इन्होंने जिम्मे लिया है और कर रहे हैं मैं कह रहा था करार साहब से कि आपका नाम विश्वनाथ कराड़ आपका जन्म हुआ भारत आपकी जो मां आपके जो पिताजी और ये जो नाम आपको मिला क्या ये आपकी चॉइस थी उनका नहीं हमारी आपकी किसी की भी कोई चॉइस नहीं है ये सब ईश्वर अल्लाह ताला ने सबको इस दुनिया में भेजा है उसके निजाम से भेजा है लड़की होनी है लड़का होना है किस धर्म में पैदा होना है क्या काम करना है ये सब हमारी मर्जी नहीं है उसकी मर्जी के मुताबिक चल रहा है इसे हम डेस्टिनी कहते हैं आज हम सब डेस्टिनी के मुताबिक यहाँ इकट्ठे भी हुए हैं और हमें सबको चाहिए कि इस बात को समझना चाहिए कि हम एक दूसरे से नफरत ना करें एक दूसरे से हमारा कोई कंपटीशन भी नहीं होना चाहिए क्योंकि यह सबका अपना भाग्य होता है मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि दिल्ली के अंदर अक्सर मैं इसकी मिसाल भी देता हूं सफदरजंग हॉस्पिटल है
और उस सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर केमिस्ट की बहुत सारी दुकानें हैं और उसी केमिस्टों की दुकानों में एक बीच में दुकान है, आप यकीन माने कि उस दुकान पर इस कदर भीड़ होती है कि जैसे ये दवाई फ्री दे रहा है, जबकि उसके बगल में दो दुकानें और हैं, सेम प्रोडक्ट है, सेम प्राइस है, लेकिन उसके बावजूद उसी की दुकान से जाके दवाई खरीद रहे हैं। इसको क्या कहेंगे आप? ये सब डेस्टिनी है, सबका अपना भाग्य होता है, और जो आदमी अपने भाग्य से आके अपने कर्म करता है और अपने काम करता है, इस दुनिया से चला जाता है। हम सबको ये समझना है कि हम किसी से कोई कंपटीशन नहीं हो सकता। हमारे इस देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी, उनकी माता जी ने उनके उनके चार भाई हैं और दो बहनें भी हैं, उसमें जो सबसे छोटा भाई है उस देश का सबसे नीचे फोर्थ क्लास में जॉब करता है और उसी माँ से पैदा भारत का प्रधानमंत्री है। ये सब डेस्टिनी होती है, कोई किसी को किसी से मुकाबला नहीं करना चाहिए, सब अपने अपने तौर पर जो काम करते हैं उसे करते रहना चाहिए और अच्छे काम की तरफ आना चाहिए। क्योंकि सब्जेक्ट नमाज है, नमाज नम माने झुकना, अज माने ईश्वर, नमाज ईश्वर के सामने झुकने को है। नमाज तो आप सब भी पढ़ते हैं और सभी लोग जो है अपने ईश्वर के सामने झुकते हैं और उससे मांगते हैं। अक्सर सभी लोग कहते हैं कि ईश्वर एक है, कोई ईश्वर के कोई ये नहीं कहेगा कि दो हैं, सब कहेंगे ईश्वर एक है, लेकिन सिर्फ आके यहां दिक्कत आ जाती है, वो कहता मेरा वाला सही है। हमें इसको समझना है। अभी जितने भी यहां संतों की जितनी भी आप ये स्टेचूज देख रहे हैं, इनकी क्या तालीमात हैं, इनका क्या धर्म था? पहली बात तो संतों का, गुरु नानक जी का, ये जितने भी संत यहां हैं, क्या सबको, क्या इनका अपने धर्म के लिए प्रचार था? संत का कोई धर्म नहीं, संत का धर्म इंसानियत का होता है और वो सबको लेके चलता है और सबसे एक समान उनको वो होती है। अभी सलमान चिश्ती यहाँ बैठे हैं दरगाह शरीफ अजमेर से, दरगाह शरीफ अजमेर का जो पैगाम क्या है, दरगाह शरीफ अजमेर का पैगाम तमाम पूरी दुनिया से लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके मन्नतें मांगते हैं या वहाँ पॉजिटिव एनर्जी है उसको प्राप्त करने के जाते हैं बुजुर्गों के पास। वहाँ कोई धर्म का भेदभाव नहीं होता, वहाँ सब एक होते हैं। तो हम सबको चाहिए कि पैगाम को, जो पैगाम हमारा है भाईचारे का, उसको आम करें। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि हम कुरान को मानते हैं मगर कुरान की नहीं मानते, गीता को मानते हैं गीता की नहीं मानते, अल्लाह को मानते हैं अल्लाह की नहीं मानते। अगर हम करने वाले बन जाएंगे तो मैं समझता हूं कि यह कोई इख्तलाफ ही नहीं होगा, क्योंकि सारे धर्म, आप किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे, आप सारे धर्म और सारे संत अच्छाई का रास्ता, मोहब्बत का रास्ता, इसी पैगाम को सब आम करते हैं, इंसानियत के रास्ते को सबने तरजीह दी है। कुरान के अंदर भी कह रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, पूरी दुनिया का आलम का रब है। तो इसलिए हम अक्सर अभी यही बात कहते हैं कि जो हमको मिला है हम उसे अपने हिसाब से, ये सोच कर कि हम दूसरों का भला कैसे कर सकते हैं। हमारी इबादतें, हमारी नमाज, हमारा योगा तभी कामयाब हो सकता है कि जब हम दूसरों का भला करें। अगर हम दूसरों का भला नहीं कर सकते, ना आपका कोई इबादत का कोई फ़ायदा है, ना आपके किसी योगा का फ़ायदा है, ना कोई नमाज का फ़ायदा है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि हमें, हमारी जो इबादत है वो इंसानियत है। मुझे उस वक्त में बहुत तकलीफ पहुँचती है जब मैं देखता हूँ कि मॉब लिंचिंग होती है, लोग आते हैं इनोसेंट लोगों को मार देते हैं। ये तकलीफ उस औरत से जाके पूछना कि जिसका बेटा चला गया, उस परिवार से जाके उस बीवी से पूछना जिसका शौहर चला गया, उस तकलीफ को पूछना कि जिसके पिताजी चले गए, उस तकलीफ को सोचना कि जिसकी दुकान चल गई, उस लोगों को समझना, पूरी जिंदगी भर आदमी कमाता है, एक मकान बनाता है और चंद मिनटों में उसका घर जला दिया जाता है। हर समाज के अंदर मेजोरिटी अच्छे लोगों की है, हर समाज में मेजोरिटी बहुत अच्छे लोगों की है, सिर्फ चंद दो चार लोग होते हैं
जिनकी वजह से समाज बदनाम होता है. तो हमें हम इस देश में रहते हैं, हम इस देश के लिए ये सब मिलकर ये तय करें कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं और हम सब मिलजुल कर अपने देश की तरक्की में मुल्क के लिए आगे कैसे बढ़ें. आज ये नौजवान बच्चे हैं, इनको यही पैगाम हम ये देने आए हैं कि हम सारा हमारा जो धर्म है वो इंसानियत का है और इसी इंसानियत के पैगाम को हम सबको आम करना है. अभी थोड़े दिनों पहले मैं कुछ लोगों ने इनोसेंट लोगों को बम से उड़ाया. अफगानिस्तान में देखें, सीरिया में देखें, तमाम दुनिया के अंदर जब हम देखते हैं जो आतंकवाद है, इनोसेंट लोगों को मार देते हैं मजहब के नाम पर. मैं कहता हूं वो मजहबी आदमी हो ही नहीं सकते. आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, चाहे वो किसी भी शेप में हो. हमें पुरजोर तमाम पूरे दुनिया से जो आतंकवाद की मुखालफत करनी है और हम सबको मिलकर ऐसे शैतानों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना है जो इंसानियत का कत्ल करते हैं. हम सब मिलकर रहें, भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें. इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं और मैं समझता हूं कि आज का जो पैगाम है, आज का जो मैसेज है, मैं एक नसीहत करके अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूं. चूँकि चीफ इमाम हूं, इमाम होने के नाते एक नसीहत कर रहा हूं और अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूं. नसीहत मेरी बच्चों ये है कि भारत के अंदर 40,000 डेथ हो गई हैं एम्बुलेंस के अंदर. इन दो सालों के अंदर 40,000 डेथ हो गई हैं एम्बुलेंस के अंदर. सिर्फ हमारे पास प्रॉपर रोड नहीं है और जब रोड है तो जाम लग जाता है और एम्बुलेंस को जगह नहीं मिलती है. आप यकीन मानो वो एम्बुलेंस रो रही है, वो चीख रही है दर्द के अंदर. जब उसको जगह नहीं मिलती और आदमी वहीं उसकी डेथ हो जाती है, तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये नसीहत भी कर रहा हूं कि जैसे ही आप अपने एम्बुलेंस को देखें, सबसे पहले जगह दें और उसके बाद ईश्वर से, परमात्मा से, अल्लाह से दुआ कर दें जिसमें भी तुम्हारी आस्था हो. हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे अल्लाह, जो भी इस एम्बुलेंस के अंदर जा रहा है मेरा इंसानी भाई, इसको शिफा दे दे. मैं यकीन से कह रहा हूं कि जब आप किसी के लिए निस्वार्थ दुआ मांगेंगे, वो दुआ जरूर लगेगी. हो सकता है कि उस दिन एक बार, हो सकता है कि आप उस एम्बुलेंस में हो सकता है मैं उस एम्बुलेंस में जा रहा हूं और निस्वार्थ हमारे लिए कोई दुआएं मांग रहा हो, इससे बड़ा इंसानियत, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं हो सकता. हम चाहिए कि हम सब मिलकर इसी तरह के काम, इंसानियत के काम को आम करें. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच.